ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है सोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ का मिसलेनियस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी मैथ समझ में आएगा आपको, इस बात की भैया 100% गारंटी है मेरे पास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस क्लास में। तो दोस्तों हमारे हाथ में क्वेश्चन है और ये हमारा टेस्ट चलता है मैथ मस्ती जेल में, तो वहां का ये क्वेश्चन सबसे पहले, आज का जो क्वेश्चन मैथ में है ये चौथे नंबर में सवाल शुरू होता है। और ये सवाल चूंकि इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, साइंस भी है, एनटीपीसी के लिए चलता है, लेकिन इसमें जो भी मैथ का प्रश्न है उसे मैं सोल्व करवा दे रहा हूं आपको। तो सवाल हमारा चौथा कहता है, एम एक काम को 5 दिन में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सवाल का यह कहना है कि एम एक काम को 5 दिन में कर सकता है, आर उसी काम को भैया 20 दिन में कर सकता है, तो बता दो जरा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ए, जब भी दो व्यक्ति मिलकर काम करे ना, कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति मिलकर जब भी काम करेगा, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो याद रहे ए बी बटा ए प्लस बी दिन में कर देगा। हमको पता है आप एलसीएम मेथड सोच रहे हैं, वो भी मेथड है। सुनिए, यहां ए और बी का मतलब है, स्मॉल ए का मतलब पहला आदमी का दिन और स्मॉल बी का मतलब है दूसरे आदमी का दिन। सुनिएगा दोस्तों, 5 गुना 20 रख दिए ऊपर और नीचे जोड़ लीजिए तब भाग दे सकते हैं। तो 5 और 20 जोड़िएगा, ये है ये बी है, 20 5 कितना 25, 5 से कटा 5 बार में, अब 5 से कटा 4 बार में, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को करेगा तो वह काम 4 दिन में ही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो याद रहे जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करे तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन में करेगा, जहां पर स्मॉल ए और बी दोनों व्यक्ति का अलग अलग दिन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान और कला के छात्राओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनकी कुल संख्या 1328 है तो कला के छात्र की संख्या बताइए। विज्ञान और कला के छात्र का अनुपात 5:3 है, विज्ञान और कला, विज्ञान और कला के छात्र की संख्या का अनुपात हमें दिया है 5:3 में और टोटल स्टूडेंट दिया है 1328। सुनिएगा, टोटल है 1328, इसका मतलब कि विज्ञान और कला वाला मिलाकर 1328 है। तो यहां करिए अनुपात में दोनों का योग कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग रियल में 1328 है तो अनुपात में भी देखेंगे योग कितना। तो भैया 5 और 3 8, अनुपात में योग 8 हुआ, रियल में 1328, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना 1328 के बट्टा में 8 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू दोस्तों 8 से इसको काटेंगे, 8 1 8 शेष बचा 5 5 पर 2 52, तो 8 6 48 शेष, 8 6 48 शेष बचेगा 4 4 पर 8 48, फिर 8 6 48, अनुपात 1 का वैल्यू 166 हो गया, अनुपात 1 का वैल्यू हुआ भैया 166। अब सवाल में कहता है कला के छात्रों की संख्या का पता लगाइए, कला के छात्र की संख्या अनुपात में 3 है, अनुपात 1 का मान 166, तो 3 का मान कितना 166 से गुना हो जाएगा। लीजिए 36 18 के 8 हासिल 168 49 1 49, यानी 498 छात्र जो है, ये 498 छात्र ऑप्शन सी में ये हो जाएंगे कला वाले। अगर पूछता कि विज्ञान में कितना, तो 1 का वैल्यू इतना, 5 का वैल्यू कितना, 5 से गुना कर देते उसकी वैल्यू निकल जाता। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये दो सवाल तो बहुत इजी इजी सवाल था और दोस्तों इजी सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा मात्रा तो इजी का ही होता है। आइए 10% क्वेश्चन हार्ड होते हैं जो आपको पगला देता है, लेकिन सारे तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, ये मिसलेनियस है। देखिए दोस्तों अगला सवाल 16 नंबर,
16 नंबर सवाल में मैथ है और कहता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर बी है कोई व्यक्ति का नाम, कहता है कि बी ने 4 बरस बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित 10,920 रुपए चुकाए, उसने कितने रुपए उधार लिए थे। कहता है बी ने 4 बरस में 10% साधारण ब्याज के दर से कुल साधारण ब्याज सहित 10,920 रुपया चुकाया। ये 10,920 रुपया क्या है, ब्याज ही नहीं, ब्याज सहित चुकाया, यानी ये मिश्र धन चुकाया है। दोस्तों इसमें मिश्र धन इसका है कि मिश्र धन उसने 10,920 रुपया चुकाया है। एक बात बताना, अगर टाइम आपका 4 वर्ष है, रेट आपको 10% है, तो ब्याज कितना होगा जानते हैं दोस्तों, 10 से 40%। कहे कि 10% सालाना हुआ तो 4 साल में 40%। और कोई भी धन जो आप कर्ज लेते हो या कर्ज देते हो, यानी जो मूलधन है वो खुद में अपने आप में 100% होता है। बात है समझ में। अब देखिए 100% था मूलधन, 40% हुआ भैया ब्याज, तब मिश्र धन 140% हुआ। हाँ, तब मिश्र धन हुआ 140%, जबकि मिश्र धन है 10,920 रुपया। ये मिश्र धन हुआ 140%, जिसमें 100% मूलधन है, 40% ब्याज। अच्छा, ये दोनों मिश्र धन है इसीलिए आपस में बराबर, दोनों मिश्र धन है इसीलिए आपस में बराबर, मिश्र धन के बराबर मिश्र धन है। हमें पूछता है कि मूलधन कितना था, तो इसीलिए चूंकि यहां पर हो गया 140% का वैल्यू, तो यहां पर इसलिए 100% का जो वैल्यू हमारा होगा वो मूलधन होगा, और 10,920 के बट्टा में 140 भेज दिए, और 100 का मान निकालना है तो 100 से गुना, 0 से 0 भाग लग गया, 14 से इसको काटते हैं, 14 सते 98 शेष 11, 11 पर 2 112, 14 अट्ठे 72 से 112 एक 0 हो गया। अब 780 में 10 से गुना हो जाएगा, 780 में 10 से गुना यानी 7800 रुपया उसने कर्ज लिया था भैया, उसने कर्ज कितना लिया था 7800। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल हमारा 17 नंबर, क्या कहता है प्रश्न का कहना यह है, एक निश्चित पुरस्कार राशि पी क्यू और आर को 3:5:7 के अनुपात में बांट दी जाती है। यहां पर आर नहीं लिखाया था, आर छूट गया है, और लिखा गया है, और नहीं, और के बाद आर होना चाहिए। तो कहता है कि एक निश्चित पुरस्कार की राशि पी क्यू और आर में 3:5:7 के अनुपात में बांट दी जाती है, यदि आर को पी से 1000 रुपया अधिक मिला है तो क्यू का हिस्सेदारी क्या है। पी क्यू और आर में, सुन लीजिएगा, पी क्यू और आर में इनके जो हिस्सा का रेशियो है ना, हिस्सा बांटा गया किस रेशियो में पता है, 3:5:7 में। मतलब ये कि अगर पी को 3 रुपया मिलेगा तो क्यू को 5 रुपया मिलेगा, आर को 7 रुपया मिलेगा। अब सवाल कहता है यदि आर को पी से 1000 अधिक मिला है, आर को पी से 1000 अधिक मिला है तो अनुपात में देखिए तो आर को पी से कितना अधिक मिला है। अरे पी से 4 ज्यादा मिला है, क्योंकि 3 आई 7, तो इसको 4 ज्यादा मिला, तो अनुपात में 4 ज्यादा मिला है और रियल में 1000 ज्यादा मिला है। देखिए रिलेशन मिला दोनों का, ज्यादा ज्यादा अनुपात में 4 ज्यादा, रियल में 1000 ज्यादा, इसका मतलब अनुपात 4 का वैल्यू 1000 है। अब अनुपात 1 का वैल्यू कितना, अनुपात 1 का वैल्यू तो 1000 के बट्टा में 4, अनुपात 1 का वैल्यू 4 से कट गया 250 बार में, तो 250 हो गया। दोस्तों हमें पूछता है कि ये तो बता दो जरा, ये बता दो कि क्यू की हिस्सेदारी क्या होगी। भैया क्यू का हिस्सा तो अनुपात में 5 है, अनुपात 1 का वैल्यू 250 है, तो अनुपात 5 का वैल्यू कितना होगा, अनुपात 1 के मान से गुना अगर कर देंगे तो पता चल जाएगा 25 25 125 10, यानी 1250 रुपया उसमें क्यू का हिस्सा होगा। दोस्तों ऐसे सवाल में कभी कभी आपसे यह भी पूछ लेगा कि कुल योग कितना था, सभी का कुल हिस्सा कितना था, तो उसके लिए सबको जोड़ देते 3 5 8 7 15, अनुपात में 15, 1 का वैल्यू 250, तो 15 का वैल्यू कितना, 15 गुने 250 कर देते, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक नर्सिंग होम में 27 नर्स में से एक ने इस्तीफा दे दिया, 27 नर्स थी, एक ने इस्तीफा दे दिया, यदि रोगी के अनुपात में नर्स 1:6 है तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। 27 नर्स में से एक ने तो इस्तीफा दे दिया भाई, तो बचा 26, और कहता है रोगी के अनुपात में नर्स की जो संख्या 1:6, यानी कि अगर नर्स रहेगी एक तो रोगी रहना चाहिए 6, यानी कि एक नर्स है ना तब आप 6 रोगी रख सकते हैं, ये संख्या का अनुपात कह दिया है। आपको पता है 27 नर्स में से एक ने तो इस्तीफा दे दिया भैया, तो नर्स की संख्या कितना बचा है, 26। अब एक काम करना, नर्स की संख्या 26 बचा है, नर्स की संख्या अनुपात में तो एक है और रियल में नर्स की संख्या 26 है, ये दोनों संख्या नर्स का है इसीलिए आपस में बराबर, यानी अनुपात एक का वैल्यू 26 निकल के आया इस सवाल में। हमें पूछता है रोगी की संख्या, यानी अनुपात 6 का मान निकालना है, अनुपात एक का मान 26 तो 6 का मान कितना, 6 × 36, 6 × 2 = 12, 3 = 15, यानी 156, यानी कि अब हमारे पास 26 गो नर्स है तो हम रोगी 156 रख सकते हैं, क्योंकि 6 रोगी पर एक नर्स, तो यहां पर 26 गो नर्स है तो 156 रोगी रखा जा सकता है, क्योंकि भैया नर्स का 6 गुना रोगी है तो नर्स का 6 गुना यानी 26 का 6 गुना 156, कोई दिक्कत ना, ना है ना आसान। आइए बढ़ते हैं, आसान ही सवाल तो है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने होगा और इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों इस सवाल में बढ़ते हैं और लास्ट में थोड़ा सा टाइप होने में मिस्टेक है लेकिन मैं वो समझा दूंगा कहाँ दिक्कत है। दोस्तों बने रहिएगा और ये सवाल हर एग्जाम में इस टाइप का 3 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। 100 विद्यार्थी की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, 30 केवल फ्रेंच, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद, बस यहाँ लिखा है पसंद, तो यहाँ लिख देना चाहिए था पसंद करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन होना चाहिए था कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, ठीक, और इसी तरह आगे भी क्वेश्चन है कि कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं, फिर आगे है स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थी का अनुपात क्या है। तो चलिए सारी चीजें हम क्लियर करके आपको समझा देते हैं। सबसे पहले 100 विद्यार्थी है किसी कक्षा में और वो कैसे कैसे भाषा बोलते हैं या जानते हैं ये देख लीजिए। 100 विद्यार्थी में किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश पसंद करते हैं, तो यहां पर हमने स्पेनिश लिख दिया और 20 विद्यार्थी इसमें हम लिखने वाले हैं, 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश पसंद करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे कहता है 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, 30 केवल फ्रेंच, तो देखो 30 केवल फ्रेंच, अब आप कहेंगे सर तो इसमें सटा के क्यों लिखा आपने, है ना, देखो 30 केवल फ्रेंच तो फ्रेंच वाला में ही 30 लिखे, इसमें तो हम ना लिखे, अगर इसमें 30 लिख देते तो ऐसा हो जाता कि वो 30 आदमी फ्रेंच तो पसंद करता ही स्पेनिश भी पसंद करता, लेकिन इसमें नहीं लिखा मैंने क्योंकि बोला 30 केवल फ्रेंच पसंद करते हैं, और ऐसा मैंने इसलिए सर्किल को एक दूसरे में घुसा दिया क्योंकि बाद में अगर कहीं कोई डाटा देगा कि 5 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश पसंद करते हैं तो 5 को हम यहां लिख देंगे और वो दोनों में आ जाएगा, बात आए समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 केवल फ्रेंच, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, केवल जर्मन 15 विद्यार्थी, चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं, चलिए ये नीचे जर्मन का मैंने सर्कल बना दिया और 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, केवल ये जर्मन वाला ही सर्कल में रखे, यहां नहीं लिखा क्योंकि यहां लिखता तो इस सर्कल में भी आ जाता, इसमें लिखता तो तीनों में आ जाता, इसमें लिखता तो फ्रेंच में आता और जर्मन में आता, लेकिन बोला कि 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन वाला घेरा में लिखा है और इसे किसी और में इंक्लूड नहीं किया है। अब देखिएगा कहता है सवाल कि 15 विद्यार्थी केवल जर्मन और 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, हाँ 10 विद्यार्थी स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं 10 विद्यार्थी,
अब आप 10 यहां क्यों नहीं लिखा, यहां लिखता तो जर्मनों में आ जाते, जबकि कहा कि 10 विद्यार्थी ऐसा है जो भैया फ्रेंच और स्पेनिश, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलता है, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन और फ्रेंच, केवल जर्मन में और फ्रेंच में आना चाहिए तो यहां लिखेंगे, क्योंकि इस सर्किल में आने का मतलब फ्रेंच में आना और इस सर्किल में आने का मतलब जर्मन में आना, यहां लिखते तब तीनों में आ जाता, इसमें भी इसमें भी इसमें भी गड़बड़ा जाता, 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फ्रेंच और जर्मन दोनों। अब सवाल कहता है शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश बोलते हैं, चलिए इंग्लिश अलग ही बना देते हैं और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश बोलते हैं भैया, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं शेष, तो शेष कितने बचे, 30, 20, 50, 60, 70, 80 हो गया, 100 में से 80 हो गया, तब 20 गो बचा जो केवल और केवल इंग्लिश बोलता है। दोस्तों अब सवाल का जवाब देंगे, कहता है कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते, इस सवाल में ये पहला सवाल होना चाहिए, बात है समझ में, ये 29 नंबर होना चाहिए जो कि मिस्टेक से आगे छप गया है। यहां पर कहता है कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, अब देखिए केवल फ्रेंच नहीं कहा है, फ्रेंच और केवल फ्रेंच में अंतर है, फ्रेंच पसंद करने वाले जो भी होंगे उनको लिखना है, क्योंकि बोला है कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, तो ये फ्रेंच वाला सर्किल में जो जो है वो सब पसंद करता है, 30, 10, 40 और 5, 45, इसका आंसर हो जाता 45, कितने विद्यार्थी केवल, हाँ ये हो गया कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, तो 45, क्योंकि इस सर्किल के अंदर जो है, अगर कहता कितने विद्यार्थी केवल फ्रेंच पसंद करते हैं तो केवल फ्रेंच 30 आदमी है, ये 30 आदमी ऐसा है जो केवल फ्रेंच में है और किसी में नहीं है, बात समझ रहे हैं, लेकिन बोला फ्रेंच पसंद करने वाले कितने हैं, तो फ्रेंच के अंदर जो जो है वो सबको जोड़ दीजिए। अगला सवाल है कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं, केवल एक भाषा, वैसे 30 आदमी ये वाला है जो एक भाषा पसंद करता है खाली फ्रेंच, अब 20 गोई तो 30, 20, 50, अब 50, 20, 50, 20, 70, 70, 15, 85, यानी 85 आदमी ऐसा है जो केवल एक भाषा पसंद करता है, ठीक है आगे बढ़ूं, चलो अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों कहता है अगला सवाल, स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वालों विद्यार्थी का क्या अनुपात होगा, सवाल का कहना है स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थी का क्या अनुपात होगा, स्पेनिश पसंद करने वाले, केवल स्पेनिश ना, स्पेनिश, स्पेनिश में भैया कौन आएगा, 20 और 10, 30 गो, स्पेनिश पसंद करने वाले 30 हुए, उसके बाद कहता है स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थी, और जर्मन पसंद करने वाले 15, 5, 20, इनका अनुपात कहा है 0 से 0 = 3:2, मतलब 3/2, 3/2, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, आगे बढ़ूं, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो मजा आएगा पढ़ने में भी, और आप मेहनत करेंगे आगे, क्योंकि जब समझ में आएगा तब आप मेहनत जरूर करिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। सवाल कहता है यदि एक वृत्त की परिधि, सुनिए ना, कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, और ऑप्शन जो भी दिया है वो पाई में दिया है, तो भैया सिंपल काम करना है, एक वृत्त की परिधि 18 पाई है तो परिधि दिया है, तो परिधि का फॉर्मूला लिखिए 2πr, वृत्त के परिधि हुआ, वृत्त के परिधि हुआ 2πr, और परिधि बोला है 18π, पाई से पाई काट दिया, यहाँ 2 से 18 को 9 बार में काट दिया, r की वैल्यू 9 निकला। अब कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई हुआ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर 81 पाई से गुना, 81 पाई हो जाएगा, और अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो इसको हम वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे, मीटर में देता तो वर्ग मीटर कहते, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने, कहता है एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 रुपए में बेची गई, लाभ की राशि क्या थी, कहता है एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 रुपए में बेची गई,
लाभ हमें दिया है कितना जानते हैं? लाभ दिया है 12.5% और बेची गई है कितने में? 2250 में, 2250 रुपए में बेची गई है। सुनिए, जब आपको विक्रयमूल्य दिया, लाभ या हानि का प्रतिशत दिया, क्रयमूल्य पता करना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर लीजिए। कैसे? 12.5% का मान 1/8 होता है, ऊपर में लिखते 12.5 और नीचे में 100, काट उट के आएगा 1/8, और लाभ हुआ है ना तो जोड़िए, 8 में 1 जोड़िए 9, 9/8। दोस्तों यानी अब क्या करना है, 2250 तो विक्रयमूल्य है, आपको पता करना है क्रयमूल्य। पीछे जाइए, उल्टा गुना करिए, 8 ऊपर लिखिए 9 नीचे लिखिए, क्रयमूल्य निकल जाएगा। 9 से काटिएगा 25, 9 × 2 = 25, अब 25 8 हो जाता है कितना, 0, 8 × 5 = 40, 2000 हो जाएगा, 25 × 8 = 200, यानी 2000 रुपया हो जाएगा उसका क्रयमूल्य। यानी खरीदा था 2000 में, बेच दिया है 2250 में, तो भैया 12.5% लाभ हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं कि पहले पहले तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है धड़का, अरे धड़का है। सवाल नंबर 44 है भैया, देखिएगा जरा ध्यान दीजिए। कहता है कि 2 दर्जन किताब और 16 नोटबुकों को छात्र में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि वितरण के बाद एक भी न बचे। किताबों और नोटबुकों के अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं? 2 दर्जन किताब और 16 नोटबुक है। 2 दर्जन किताब का मतलब 12 × 2 = 24 गो किताब है और 16 गो नोटबुक है। इसके ऐसे सेट बनाने हैं कि कोई भी ना बचे, मतलब सेट बनाने हैं, इसमें से कितना, इसमें से कितना लेना है, ये सेट इस तरह से बनाना है कि कोई भी ना बचे। कोई भी ना बचे का मतलब ये क्या कहता है कि कोई ऐसा संख्या बताइए कि इसको भाग देने पर कभी शेष ना बचे। तो आपको क्या करना चाहिए, इसका HCF ले लेना चाहिए, यानी HCF कितना हो जाएगा, 8। यानी 8 सेट हम बना सकते हैं, 8 सेट ऐसा हम बना सकते हैं कि 8 गो सेट अगर बनाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब समझिए कैसे 8 सेट बनाएंगे ना दोस्तों, तो ये 2-2 लेंगे, 8 से इसको भाग दीजिए 2 बार में कटेगा, 8 से इसको भाग दीजिए 3 बार में कटेगा। यानी 3 गो हम बुक लेंगे और 2 गो नोटबुक लेंगे, 3 किताब और 2 नोटबुक एक विद्यार्थी को हम देंगे, तो 3 × 2 = 5 गो दे दिए। उसी तरह अगले विद्यार्थी को 3 गो नोटबुक और 2 गो, मतलब 3 गो बुक और फिर 3 गो बुक और 2 नोटबुक, यानी 5 5 गो देंगे। इस तरह से करते करते 8 सेट बनाएंगे ना दोस्तों, देखो 3 2 का 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 3 2 का, देखिए 3 3 6 2 8 हो गया। सबको 3 3 गो बुक और 2 2 गो नोटबुक दिया जाएगा। कैसे? तो देखिए 3, अब पूरा 24 गो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8ों में 3 3 गो बुक है ना, तो 8 3 = 24 बुक हो गया, और सब में 2 2 गो नोटबुक है ना, तो 8 गो ये सेट है, तो 8 × 2 = 16 हो गया। समझे? चलिए, हमें उम्मीद है कि बहुत ही आसानी से यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और कहता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 46 नंबर सवाल, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कहता है कि 10,000 रुपये का, यानी यहां पर मूलधन दिया हुआ है कितना जानते हैं, 10,000 रुपया मूलधन, 10,000 और 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 3 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो जो होता है 3:2:1 का होता है, तो चलिए इस पर बना लेते हैं दोस्तों। तो हमारा 3 साल के लिए फार्मूला होता है CI निकालने का 3:3:1 का रेशियो। क्या करते हैं, अगर रेट है आपका 10%, इसका वैल्यू हुआ 1/10, यानी इतना का 1/10 यहाँ लिख लीजिए ब्याज, तो 0 से 0 कटा यानी 1000। उसके बाद फिर इतना का 1/10, अगला बार इसका 1/10 यहाँ लिखना है, तो 1/10 लिखिएगा तो इससे गुना करना है, 0 से 0 कटेगा 100, और फिर इसका 1/10, मानी यही 1/10, इसका 0 से 0 कटा 10,
अब सबको गुना करके जोड़िए, ये हो गया 3000 प्लस इसको गुना करिए 300 प्लस इसको गुना करिए 10, यानी हो गया हमारा 3310 आपका आंसर। चलिए एक तरीका और बता देते हैं जिससे आप बना सकते हैं। दोस्तों एक तरीका और है निकालने का कि अगर आपको मूलधन पता है, रेट पता है और टाइम 3 वर्ष है, तो सीआई के केस में 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष कुछ भी रहे, और आपको अगर मिश्रधन निकाल के मूलधन घटा देंगे तो भी ब्याज आ जाएगा। वो कैसे? तो 10,000 रुपया आपका क्या है, 10,000 रुपया आपका मूलधन है, 10% का मान 1/10, इसको जोड़ के होल वैल्यू निकाल लीजिए 11/10। अब आपको 11/10 एक साल के लिए, 11/10 दूसरे साल के लिए, 11/10 तीन साल के लिए, हो गया। अब 3 जीरो से 3 जीरो आप काट लीजिए, 11 का क्यूब 1331 होता है, 10 यहाँ आ गया। अब 13,310 में से आपका 10,000 घटा देना है, क्योंकि ये तो मिश्रधन आपका निकल के आया है, ये आपका मिश्रधन निकल के आया है। अगर आपको ब्याज पता करना है तो बस 13,310 में से मूलधन 10,000 घटा दीजिए, 10,000 घटा दीजिएगा तो आपको 3310 रुपया ब्याज हो जाएगा। ये भी तरीका है। इसमें है कि अगर 2 साल का है तो 2 बार गुना करिए, 3 साल है तो 3 बार, 4 साल है तो 4 बार गुना करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन है कि 5 cos² 0° - 4 sin² 30° और +6 cosec² 45° इसका मान क्या होगा? आइए इस सवाल को बनाते हैं। दोस्तों cos 0 का मान 1 होता है, तो ये तो 5 है, और 1 का cos 0 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4। sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 6। cosec 45 का मान होता है √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब दोस्तों ये 5 एकम 5 हो गया माइनस, ये तो देखिए 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे वाले 4 से ये 4 एक बार में कटेगा, तो यहाँ 1 हुआ प्लस ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो 6 दूना कितना हो गया 12। अब 12 5 17, 17 में से 1 चला गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 16। तो ये हो गया आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक करके मेरा सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने का मतलब आपके लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ आप अगर लाइक करते हैं तो मेरे अंदर हौसला बढ़ता है और मुझे लगता है कि भैया मैं और अच्छा कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है। तो और हाँ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं मेरा सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और इसके कोई भी चार्ज नहीं लगने वाले हैं आपको। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ रीजनिंग की भी वीडियो, मैं कथन निष्कर्ष का भी वीडियो डाल दिया हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।